तो व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, कल ट्रेडिंग सेक्शन में दोस्तों एक शेयर टॉप गेनर में था, तो दोस्तों उसी के बारे में बात करेंगे। 15 रुपीस भागा है और दोस्तों पॉइंट की बात करें तो 6.27% भागा है। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे मिलेगा, आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों 5 डे की चार्ट पैटर्न देखेंगे, यहाँ पर जरूर से रेड निशान में दिख रहा है, करीबन 2.28% की गिरावट। 1 मंथ का देखेंगे, करीबन 1% की अपर सर्किट। 6 मंथ का देखोगे 45% की रिटर्न दे चुका है। उसके बाद दोस्तों 8% की रिटर्न 1 ईयर में। 5 ईयर में देखेंगे तो दोस्तों 33% नेगेटिव रिटर्न। मैक्सिमम देखोगे तो 33% का अपर सर्किट। तो दोस्तों ये शेयर 2012 में आया था 191 करके, ठीक है, 191 में आया था, लिस्टिंग हुआ था। हाई लगाया था 15 में 464 रुपया हाई लगाया था, फिर से गिरा, फिर से ये देखिए हाई लगाया 449 रुपया। उसके बाद कोविड के टाइम में दोस्तों 148 रुपये में आ गया था मार्च महीने में, जब भी लॉकडाउन शुरू हुआ था। फिर से अभी ये हाई लगाने के लिए कोशिश कर रहा है दोस्तों। ये जो शेयर है, मैं आज जिस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, इंडोस टावर शेयर का नाम है। और दोस्तों मैं आपको बात एक बता दूँ, ये शेयर का नाम 6 महीने पहले भारती इंफ्राटेल था, ठीक है, भारती इंफ्राटेल था। मैं भी इसका शेयर होल्डर हूँ, भारती इंफ्राटेल था। अभी इसका नाम चेंज करके इंडोस टावर कर दिया गया है। तो ऑल टाइम में 33% का रिटर्न यहाँ पर शो हो रहा है। ये जो लेवल है, ये लेवल तक ये जाने के लिए ज़रूर कोशिश करेगा, 6 महीने या 1 ईयर में जाने के लिए कोशिश करेगा। जो लोग यहाँ से बाय करके इसको रखे हैं, आप ज़रूर से होल्ड करके रखिए, बहुत जल्दी ये जाएगा। तो दोस्तों और एक बुरा बात बता देता हूँ, बुरी बात जो है कि ये निफ्टी 50 में था, ठीक है, लेकिन अभी मतलब कि कुछ दिन पहले निफ्टी 50 से निकल गया है शेयर। फिर भी तेज़ी यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर हम देखेंगे NSE की ऑफिशियल वेबसाइट, तो दोस्तों यहाँ पर आप ओपन करता हूँ, ये देखिए लाखों में, मतलब कि लाखों में क्वांटिटी उठाया गया है, मतलब ट्रेड हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो बाय दिखा रहा है, 147 गया था मार्च 26 में और 282 गया था फेब्रुवरी 2021 में। अगर आप देखेंगे तो 29% की डिलीवरी क्वांटिटी उठाया गया है। कंपनी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 44,000 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी देखिए लास्ट दिसंबर महीने में 70,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट। और दोस्तों डिविडेंड आप देख सकते हो, 8 फरवरी में डिविडेंड कितना दिया, 17 रुपया करके डिविडेंड दिया, बहुत ही बढ़िया है, 17 रुपया करके आपको डिविडेंड दिया। देखेंगे कितना गिरवी है। तो ये एक बुरी बात है कि 40% जो प्रमोटर होल्डिंग वो गिरवी रखे हैं, प्रमोटर गिरवी यहाँ पर रखे, ये एक बुरी बात है। और चलिए फंडामेंटल एनालिसिस करके पूरा डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ। तो लार्ज कैप कंपनी है, 68,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 255 चल रहा है, हाई लगाया था 283। उसके बाद सेक्टर पी 22 है, बुक वैल्यू 51 है। डिविडेंड कंपनी 7% का प्रोवाइड करता है, 8% का डिविडेंड प्रोवाइड करता है। रिटर्न पर इक्विटी 23 है और यहाँ पर देख सकते हो ROE देख सकते हो 21 है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही वोलेटाइल शेयर है, कभी नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सेक्टर में काम करता है, ट्रांसमिशन सेक्टर में, ये 2 ही शेयर है, ठीक है, ये नंबर वन पर है। अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 733 है और यहाँ पर 979 है, मतलब अच्छा प्रॉफिट है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा, मतलब 3,299 है, यहाँ पर 3,065 है। यहाँ पर अगर हम बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो शेयर कैपिटल 1850 है, रिजर्व कंपनी के पास 11,000 करोड़ का रिजर्व है। और कंपनी देख सकते हो 4,000 कर्जा था, अभी 2,400 करोड़ का, 2,434 करोड़ का कर्जा यहाँ पर रखा है, और बहुत ही बढ़िया है कि रिजर्व कंपनी के पास इतना है। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें किसके पास कितना शेयर है, प्रमोटर के पास, ये देखिए प्रमोटर यहाँ पर धीरे धीरे करके शेयर बढ़ा रहे हैं, 53 था सितंबर में, दिसंबर में 69 कर दिए, 70 कर दिए। और FI वाले के पास 26 है, DI वाले के पास 2% है, और पब्लिक के पास 0.73 है, और अदर्स यहाँ पर 1% है। यानी सारा माल प्रमोटर और पब्लिक, सॉरी प्रमोटर के पास है और FI वालों के पास सारा, फॉरेन वालों और जो प्रमोटर के पास सारा शेयर है। तो दोस्तों उम्मीद कर सकते हैं ये शेयर जरूर से जो हाई उसका है, मतलब कि मैं आपको फिर से दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, इसका जो लाइफ टाइम हाई आप देख सकते हो 449 रुपया, जरूर से जाने के लिए कोशिश करेगा। अगर आप यहाँ पर टाइम देते हो, समय देते हो, तो सभी शेयर भागेंगे। तो दोस्तों कल की सेक्शन में, आज तो डाउ जोन बंद हो चुका है, मैं जैसे कि आपको एक बार डाउ जोन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डाउ जोन यहाँ पर 104 पॉइंट यहाँ पर नीचे आया है। कोई बात नहीं दोस्तों, कल जरूर से मार्केट ऊपर जाएगा। आप दोस्तों वीडियो अगर लास्ट तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।